नमस्कार, मैं हूं ज्योति प्रकाश अग्रवाल और आप देख रहे हैं बीकर है दत्तक न्यूज। आइए डालते हैं एक नजर दिन भर की खास सुर्खियों पर। बीकानेर की यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी के जन्मदिवस मौके पर दो दिवसीय कार्यक्रमों के तहत आज सूखे राशन को कर दिया। भूमि अवाप्ति के बाद में किसान आए सड़कों पर, कल प्रशासन ने एमपी की भूमि अवाप। और सड़कों पर भेदभाव का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने अतिरिक्त प्रशिक्षण अभियंता से की मुलाकात। और जामसर के पास में भीषण सड़क हादसे में चार की मौके पर मौत, सात जने घायल। और खबरें विस्तार से, सबसे पहले बातचीत कर लेते हैं। देश भर में कोरोना के मामले लगातार कम होते जा रहे हैं। ये चौथा दिन है लगातार जहां पर 65,000 के अंदर अंदर पूरे देश भर में नए मामले जो है वो रिपोर्ट हुए हैं। हालांकि अब कोरोना की रफ्तार जो है वो कम होनी शुरू हो गई, लेकिन विश्लेषक और विशेषज्ञ जो है वो इस बात को लेकर के अभी भी चिंतित है कि तीसरी लहर जो है वो आ सकती है। कारण है कि महाराष्ट्र में कुछ मामले जो है वो अब बढ़ रहे हैं और इस बात की चिंता सभी को रही है कि कहीं यह तीसरी लहर की दस्तक तो नहीं है। हालांकि कोरोना कम होने के साथ में अब प्रदेश में भी जो है वो अनलॉक की प्रक्रिया शुरू हो गई है और उसके चलते बीकानेर के बाजार आपको बिल्कुल गुलजार दिखाई देंगे। जहां तक अनुमत समय है वहां तक बाजार खुल रहे हैं और इस दरमियान लोगों की भीड़ भी देखी जा सकती है। कोर्ट गेट में बने हुए जो रेल फाटक है वह जब भी बंद होता है तब एक जबरदस्त तरह का जाम यहाँ पर लग जाता है। नियमित तरह की बात यही है कि जिला प्रशासन को और ध्यान भी देना होगा, बाजारों में जो भीड़ बढ़ रही है वो फिर से किसी नए खतरे का संकेत न करें। कुल मिलाकर के शनिवार के दिन दोनों ही लिस्टें जो जारी की गई उनमें कुल मिलाकर के 12 नए रोगी जो है वो पॉजिटिव मिले हैं और वैक्सीनेशन जो है वो लगातार किया जा रहा है। वैक्सीनेशन के चलते कहीं कहीं अब जो है वो इस रफ्तार में कमी आई है और बीकानेर प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग की जो पहल रही है जिनमें वैक्सीनेशन ऑन डोर ये एक बड़ी बात रही है, वैक्सीनेशन ऑन व्हील जो है वो बड़ी बात रही है। घर घर जाकर के 45 प्लस के लोगों का टीकाकरण किया जा रहा है, वैक्सीनेशन किया जा रहा है। वैसे भी 18 प्लस और 45 प्लस जो है दोनों ही तरह का वैक्सीनेशन बीकानेर के स्वास्थ्य केंद्रों पर भी चल रहा है। स्वास्थ्य केंद्रों पर 18 प्लस वाली जो भीड़ रही है उसमें खासतौर से वे स्लॉट बुक करवाने वाले ही पहुंच पा रहे हैं, लेकिन अभी भी युवाओं को अपने स्लॉट को बुक करवाने में कठिनाई सामना करनी पड़ रही है। हम आपको दिखाते हैं स्वास्थ्य केंद्रों का नजारा जहां पर यूथ जो है वो वैक्सीनेशन करवा रहे हैं। सेशन शुरू किया है जिसमें 500 बुकिंग हुई है, 500 का स्लॉट बुक हुआ है, उसमें लगभग अभी 170 लग चुकी है। और उसके अलावा भी हमारे पास 49 का उन्होंने अलग से दिया है जो हम ओपन स्लॉट से लगा सकते हैं। बाकी चिकित्सालय के अंदर बड़े अच्छे ढंग से यहाँ कार्य चल रहा है, जो कि अन्य स्थान से हमारे यहाँ एकदम सुचारू रूप से बढ़िया अनुशासनात्मक चल रहा है और कोविड की जो पालना करते हुए अनुशासन की पालना करते हुए कार्य किया जा रहा है। नहीं, अभी तो हमारे यहाँ जो है ना 18 प्लस का ही सेशन है, तो 18 प्लस जिनके स्लॉट बुक है उन्हीं के लग रही है, बाकी के लिए हमारे यहाँ भी सुविधा नहीं है। जब भी ऐसी सुविधा देंगे हम पब्लिक को इसका लाभ देंगे। करते हैं हम इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की, जिनके बैनर तले आज एक प्रदर्शन किया गया जिनमें खासतौर से चिकित्सा सुरक्षा जो कानून है उसे लाने की बात की गई, डॉक्टर्स की जो है वह सुरक्षा जो है वो सुनिश्चित की जाए, इस बात को लेकर के आज प्रदर्शन किया, नारेबाजी की गई, जिनमें डॉक्टर एसएन हर्ष, डॉक्टर राहुल हर्ष और डॉक्टर नवल गुप्ता, डॉक्टर अबरार अहमद ये सभी लोग उसमें शामिल थे। दिखाते हैं हम आपको आईएमए के द्वारा किए गए इस प्रदर्शन की कुछ झलकें।
प्रदर्शन के बाद में हमने डॉक्टर एसएन हर्ष से की बात। हिंसा हो रही है, डिजिटल हिंसा हो रही है, लोगों को ट्रोल किया जा रहा है फेसबुक पर, ट्विटर पर और इंटरनेट पर, ये भी एक अत्याचार है। और हमारा सोसाइटी में भी बायकॉट किया जा रहा है कि डॉक्टर जो दूसरों को मार रहे हैं, वैक्सीनेशन लगा लगा करके लोगों को मार रहे हैं, ऐसे लोग भी भारत के अंदर हैं। उन सब लोगों को जवाब देने के लिए आईएमए ने ये प्रस्ताव रखा है कि प्रोटेस्ट डे मनाया जाए, बावजूद भी वैक्सीनेशन के खिलाफ लोग बोल रहे हैं, जबकि सब लोग जानते हैं कि वैक्सीनेशन के अलावा कोई चारा ही नहीं है बचने का। दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर आती रहेगी, मरते रहेंगे बच्चे, कम उम्र के लोग मरते रहेंगे। दूसरा हमारा यह है कि जितने भी लॉ बने हुए हैं पूरे भारत में, 23 राज्य ऐसे हैं जिसमें कि पब्लिक का जो हॉस्पिटल एस्टेब्लिशमेंट है उनके प्रोटेक्शन का एक्ट लागू हुआ है, ये तो सब एक हो जाते हैं और डॉक्टर को मार पिटाई होती है, उसके विरोध में ये हम अभियान चलाया है जिसका नाम रखा है नेशनल प्रोटेस्ट डे। अगर कल शाम तक सरकार की तरफ से कोई फैसला इस सिलसिले में नहीं होगा तो आगे के कड़े कदम उठाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को मंजूर होना पड़ेगा और इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के साथ में एसोसिएशन ऑफ फिजिशियंस ऑफ इंडिया API, सर्जन्स, ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट, डेंटिस्ट, पैरामेडिकल, सभी विभागों के संगठन है वो हमारे साथ में और पुरजोर इसमें कर रहे हैं। सिर्फ हम उग्र प्रदर्शन और दूसरा काम इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि हम कोरोना काल के अंदर आम जनता को किसी प्रकार की तकलीफ नहीं देना चाहते। बीकानेर के पास सड़क हादसे की जो जानकारी मिल रही है, वह सड़क हादसा बहुत ही भयानक था और जबरदस्त था। सड़क हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई और 7 लोग घायल हो गए जिनका ट्रोमा सेंटर में इलाज चल रहा है। हालांकि इस टक्कर की जो जानकारी है वो इस रूप में आ रही है कि बजरी से भरा हुआ एक ट्रोला जो था वो सवारियों से भरी हुई गाड़ी से टकरा गया और मौके पर ही 4 लोगों की मौत हो गई। जानकार सूत्रों के मुताबिक 11 जो लोग सवार थे गाड़ी में, सभी 11 लोग जो हैं वो हनुमानगढ़ से आ रहे थे और ये नोखा के रहने वाले हैं। कुल मिलाकर के बहुत भयानक यह हादसा था और इसके चलते सड़क पर लोगों ने जाम लगा दिया और पुलिस को भी जाम खुलवाने को लेकर के काफी मशक्कत करनी पड़ी। बीकानेर के भाटों की बास में जो है वो दो पक्षों में मारपीट हुई, जिनमें एक पक्ष के द्वारा जबरदस्त जो है वो मारपीट की गई भाटों के साथ में और खुली तलवारों के साथ में जो है यह मारपीट की गई। नया शहर थाना पहुंच करके और आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करने की मांग की। यहां पर देखते ही देखते भीड़ भी जमा हुई। हालांकि महिलाएं जो है वो चीखती रही, पुकारती रही, लेकिन कोई भी उनके पास में नहीं आया और उनके खिलाफ जो है वो मारपीट का मुकदमा दर्ज करवाया गया। जिला पुलिस अधीक्षक को भी इस बात की गुहार की गई है कि आरोपितों को और जो धमकाने वाले और मारपीट करने वाले लोग थे उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जो है उन्होंने मांग की। हालांकि ये मामला लेन देन का बताया जा रहा है, जिनमें 20,000 रुपए के लेन देन को 80,000 रुपए तक कर दिया गया और इसी के चलते यह मारपीट हुई। पीड़ित पक्ष जो है वह सुरक्षा की मांग भी कर रहा है और पुलिस अधीक्षक से इस बात की भी गुहार कर रहा है कि वे उन्हें न्याय दिलाए और आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार करे। राजभोग या कोई मिठाई, सोन पापड़ी क्या बात है भाई, अरे भुजिया पापड़िया चटपटी स्वाद लो नमकीन का, बीका राम जान माल है स्वाद बीकानेर का, स्वाद बीकानेर का। Available on Amazon, Flipkart and Bhikaram Chanmal.in। हमारा यही है जतन
रहे स्वस्थ तन स्वस्थ मन, पिए जो अमृत मंथन, स्वस्थ हृदय स्वस्थ पाचन, स्वस्थ काया स्वस्थ श्वसन। मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट का 80 वर्षों का अनुभव, हार्ट ब्लॉकेज कम करे और रक्तचाप नियंत्रित करे। अमृत मंथन, अमृत मंथन, मोहनजी पंसारी हर्बल प्रोडक्ट कंपनी, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर, कैलाश प्रोविजन स्टोर कोट गेट बीकानेर, हेल्पलाइन नंबर 9251231230, विजिट www.mohanjiherbals.com। खमा घनी हुकम। अरे आइए आइए, घनी खम्मा। घनी खम्मा, क्या आज्ञा है मेरे लिए? हमने सुना है आपके बीकानेर में भुजिया बहुत प्रसिद्ध है। हाँ, प्रेम जी अग्रवाल के भुजिया है ना हमारे बीकानेर के। तो हमें नहीं खिलाओगे प्रेम जी अग्रवाल के भुजिये? क्यों नहीं हुकम, ये लीजिए। वाकई असली बीकानेरी भुजिया है। दिल की बात वही जाने जो स्वाद असली पहचाने। प्रेम जी अग्रवाल, रानी बाजार इंडस्ट्रियल एरिया बीकानेर। के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी का जन्मदिन होता है 19 जून को। उसी के उपलक्ष्य में यूथ कांग्रेस के द्वारा पूरे देश में आयोजन किए जा रहे हैं। 2 दिवसीय आयोजनों के दौरान बीकानेर में भी यूथ कांग्रेस के द्वारा आयोजन किया गया, जिनमें यूथ कांग्रेस के प्रदेश महासचिव अरुण व्यास के नेतृत्व में सूखी राशन टिकट का वितरण किया गया। इस मौके पर यूथ कांग्रेस की राष्ट्रीय सचिव डॉक्टर पलक वर्मा पहुंची। पलक वर्मा के माध्यम से सूखी राशन किट का वितरण किया गया। वही 19 जून को जो है वह वृक्षारोपण कार्यक्रम भी किया जाएगा। कुल मिलाकर के बड़े अभियान के साथ में कोरोना काल में जहां यूथ कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जो है मुस्लिमों के साथ में है, मजलूमों के साथ में है, पीड़ितों के साथ में है, और यही संदेश राहुल गांधी का कि कोई जश्न न मनाए बल्कि जो पीड़ित लोग हैं उनके साथ में दया का भाव रखते हुए, सहानुभूति का भाव रखते हुए उन्हें कैसे भी मदद पहुंचाई जाए वह पहुंचानी चाहिए। गिराते आपको आज यूथ कांग्रेस के द्वारा किए गए इस कार्यक्रम की कुशल की। चोट लगी हुई है और जब से ये सेकेंड वेव का लॉकडाउन लगा है तभी से लगातार यूथ कांग्रेस देश भर में एवं राजस्थान में भी बहुत अच्छे से लोगों की सेवा कर रही है। और कल राहुल जी का जन्मदिन है तो ये पूरा हफ्ता हम सेवा हफ्ते के रूप में आयोजन कर रहे हैं, जिसमें लोगों के लिए राशन का वितरण है और साथ ही साथ 2 महीने के अंदर 2 लाख वृक्षारोपण पूरे राजस्थान भर में किया जाएगा, ताकि जो ऑक्सीजन की कमी के कारण लोगों की डेथ हो रही थी उसमें थोड़ा सा हम कुछ सहयोग दे पाए। जो वातावरण पे अभी क्या कर रही है वो अलग बात है। यूथ कांग्रेस हमेशा से युवाओं को जोड़ती रही है। आप बीजेपी की आज बात कर रहे हो, राहुल गांधी जी ने युवाओं को 2007 से जोड़ना शुरू किया था, जो लगातार सेवा के रूप में काम कर रहे हैं। राजनीति कम और लोगों की सेवा ज़्यादा कर रहे हैं, वो उद्देश्य है उनका। और आप देख रहे होंगे कि बीकानेर में भी लगातार काफ़ी दिनों से सारे यूथ कांग्रेस के साथ ही ये कार्य कर रहे हैं। देखिए, प्रोफेशनल कांग्रेस करके एक और डिपार्टमेंट है यहाँ पर, जो ऑलरेडी सारे प्रोफेशनल्स का सहयोग ले रही है। और साथ ही साथ आप अगर बात करोगे तो हमारे खुद के यूथ कांग्रेस में, मैं खुद एक डॉक्टर हूँ, मैं भी एक प्रोफेशनल हूँ, एडवोकेट्स है, हमारा लीगल डिपार्टमेंट है, ब्लड सेल डिपार्टमेंट है, इस तरीके से अलग अलग हमारे भूमि अवाप्ति के बाद में किसान सड़क पर आ गया है। गेलचू गांव में एक किसान के खेत पर जो है वह भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत भूमि को अवाप्त किया गया, जिनमें उसके नलकूप को तोड़ दिया गया, डिग्गी को तोड़ दिया गया, बने हुए मकान को भी तोड़ दिया गया, जिससे कि यह किसान उसका पूरा परिवार सड़क पर आ गया है। इस पूरे मामले को लेकर के दोषियों के खिलाफ जो है वह कार्रवाई करने की मांग को लेकर के संयुक्त किसान मोर्चा और किसान मोर्चा ने जो है वो बातचीत की और प्रशासन से भी उन्होंने बातचीत की।
बीकानेर में सड़क निर्माण कार्य चल रहा है। सड़क निर्माण कार्यों में जो बजट आवंटित किया गया उनमें भेदभाव का आरोप तो भारतीय जनता पार्टी ने लगाया है। भारतीय जनता पार्टी के शहर अध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने आज अधिकारियों से मुलाकात की। पीडब्ल्यूडी में वे पूर्व अध्यक्ष सत्य प्रकाश आचार्य मोहन सुराना सहित पहुंचे थे। उन्होंने इस बात का भी आरोप लगाया कि बीकानेर में पश्चिम विधानसभा क्षेत्र में सड़कों के निर्माण कार्य की स्वीकृति और मंजूरी तो जारी कर दी गई, लेकिन पूर्व विधानसभा क्षेत्र में अभी तक सड़कों की मंजूरी जो है वो नहीं मिली। उसी बात को लेकर की भारतीय जनता पार्टी में आक्रोश रहा। आइए दिखाते हैं आपको मुलाकात के संपादकों एक निर्देश दिया कि सभी विधानसभा क्षेत्रों में 5 करोड़ के कार्य किए जाएंगे। अब उसमें ये स्पष्ट नहीं था कि नगर निगम के क्षेत्र में होगा या यूआईटी के क्षेत्र में होगा, लेकिन 5 करोड़ का वो कार्य किया जाएगा। और उस आशय का एक पत्र हमने आज एससी साहब को यहाँ पर दिया, उन्होंने भी इस बात को माना। लेकिन क्या होता है कि राजनीतिक डिस्पैरिटी या भेदभाव को जिसका एक उदाहरण वो हमने बीकर में देखा, पश्चिम क्षेत्र जहाँ से हमारे मंत्री जी बी डी जी कल्ला जी आते हैं उनके क्षेत्र में 22 सड़कें सैंक्शन हो जाती हैं, जिसमें नगर निगम की भी सड़कें और पीडब्ल्यूडी की भी सड़कें हैं, लेकिन पूर्वी विधानसभा क्षेत्र में जाके हमारी एमएलए बीजेपी की हैं सिद्धि कुमारी जी, उनकी मात्र 4 सड़कें सैंक्शन की जाती हैं। और ये कहा जाता है कि ये तो सिर्फ पीडब्ल्यूडी की है, बाकी म्यूनसिपल्टी क्षेत्र की आपको सैंक्शन नहीं मिलेगी। भाई ऐसा कैसे हो सकता है, पश्चिम में आपने पीडब्ल्यूडी की सार म्यूनसिपल्टी की भी सड़कें आपने सैंक्शन कर दी, तो पूर्व में क्यों नहीं किया आपने? इस विषय को लेकर आज हमने घेराव किया और बड़े आश्चर्य की बात है कि कोई भी जवाब इनके पास नहीं है। जिन लिंक सड़कों की ये बातें करते हैं वो सड़कें बनी हुई हैं, सड़कों की हालात ठीक है, लेकिन दोबारा उनको ये बनाने का कार्य करके पैसे का पलीदा लगाने का कार्य के अलावा इनके कुछ नहीं है। सड़कों की हालत बीकानेर में बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम बार बार मांग कर रहे हैं कि सड़कों को ठीक करने दीजिए, लेकिन ये म्यूनसिपैलिटी की है, ये यूआईटी की है, ऐसा भेदभाव करके इस काम को रोका जाने का प्रयास किया जा रहा है। जब तक ये सड़कें सैंक्शन नहीं हो जाएंगी हम इनका घेराव करेंगे और इसकी हम स्वीकृति लेकर रहेंगे, क्योंकि ये सरकार जान के भेदभाव का करने का कार्य करती है। ऐसी ने इतनी बदतमीजी, एडिशनल ऐसी सोनी जी इतनी बदतमीजी से उन्होंने बात की कि आप बैठे हैं तो आप बैठे रहिए, और उठकर चले गए इस कमरे से। एक भी संतोषजनक जवाब नहीं दे पाए कि आपने जिन सड़कों का सर्वे किया वो किसने किया, उसका आधार क्या था, ये बताने की स्थिति में ये प्रशासन पीडब्ल्यूडी का नहीं है। बेहद शर्मनाक बात है और सीधे सीधे यहाँ हेल्थ और आयुर्वेदिक कॉलेज के लिए जमीन जो है वो तलाशी शुरू कर दी है। जिला कलेक्टर अमित मेहता ने आज जो है वो अलग अलग स्थानों का मुआयना किया, जैसे कि जल्दी से जल्दी हेल्थ और आयुर्वेदिक कॉलेज की स्थापना की जाए, उसके लिए उन्होंने 7 अधिकारियों को भी निर्देश दिए। न्यास की जमीन को अतिक्रमण से मुक्त करवाया गया। तकरीबन 15 बीघा जमीन थी जो कि अतिक्रमण हो चुकी थी, उसको आज कालूराम परिहार के नेतृत्व में मुक्त करवाया गया। शुक्रवार को न्यास तहसीलदार कालूराम परिहार के नेतृत्व में यह कार्रवाई की गई, जिनमें नगर विकास न्यास की चक 493 आरडीएल नगासर में 15 बीघा जमीन है और उस पर आसपास के लोगों ने तारबंदी कर अतिक्रमण कर रखा था। शुक्रवार को उन्होंने हल्का पटवारी मंजू शर्मा के साथ मौके पर पहुंचकर अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई की और जमीन को न्यास संपत्ति का बोर्ड भी जो है वो लगवा दिया। चलते चलते डालते हैं नजर आज की खास खास खबर। बीकानेर के यूथ कांग्रेस ने राहुल गांधी के जन्मदिवस मौके पर 2 दिवसीय कार्यक्रम के तहत आज सूखे राशन की प्रक्रिया कर। भूमि अवाप्ति के बाद में किसान आए सड़कों पर, कल प्रशासन ने की थी भूमि अवाप। और सड़क पर भेदभाव का आरोप लगाया भारतीय जनता पार्टी ने, अतिरिक्त परीक्षण अभियंता से की मुलाकात। और जामसर के पास में भीषण सड़क हादसे में 4 की मौके पर मौत और 7 जने घायल। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में नई गतिविधियों के साथ इस समय चैनल पर फिर मुलाकात होगी। न्यूज रूम से ज्योति प्रकाश रंगा को इजाजत दीजिए। नमस्कार।
टीकाराम चांदमल की मनपसंद स्वादिष्ट मिठाइयाँ भुजिया पापड़ नमकीन अब आपके घर पर ही होम डिलीवरी। होम डिलीवरी के लिए कॉल करें 9119119135। खाओ खिलाओ रिश्ते बनाओ।